ये देखो, ये है ब्रेन, और ब्रेन में फिट होने से जस्ट पहले ये है न्यूरालिंक चिप। न्यूरालिंक चिप को फिट करने के लिए और दिमाग तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर आपके सिर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, मतलब वो आपके सिर के ऊपर की स्किन को इस तरह से साइड कर देंगे। जब ये स्किन हटाई जाती है ना, तो वो मजबूत हड्डी नजर आने लगती है जो आपके दिमाग को कवर करती है, यानी कि आपके सिर की हड्डी, जिसे स्कल बोला जाता है। चूंकि ये सिर की हड्डी बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए डॉक्टर्स को इसमें छेद करने के लिए एक स्पेशल ड्रिल मशीन का यूज करना पड़ता है। स्कल के नीचे ये जो व्हाइट कलर की परत आपको दिखाई दे रही है, ये है ड्यूरामेटर। स्कल और ड्यूरामेटर का मेन काम होता है हमारे नरम और जेली जैसे ब्रेन को बचा के रखना। अब डॉक्टर्स ड्यूरामेटर पर भी एक कट लगाकर उसको भी हटा देते हैं, और जो हिस्सा अब आपको दिख रहा है वो ही है असल में हमारा ब्रेन, जिसमें ये न्यूरालिंक चिप फिट की जाएगी। अब तक डॉक्टर ने अपनी मेहनत से सर्जरी को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है, लेकिन इस सर्जरी को फाइनल टच देने का काम ये R1 रोबोट करेगा। ये रोबोट सबसे पहले तो अपने हाईटेक सेंसर से दिमाग का एक डिटेल्ड 3D मैप बनाएगा, और फिर वो जगह आइडेंटिफाई करेगा जहां कोई ब्लड वेसल्स ना हो, मतलब सर्जरी के लिए दिमाग के अंदर कुछ सेफ जोन्स को चूज करेगा। किसी सिलाई मशीन की तरह ही ये रोबोट एक एक करके न्यूरालिंक में लगे इन 64 थ्रेड्स को बड़ी ही सफाई और प्रिसीजन के साथ दिमाग में फिट करता जाएगा। फाइनली सारे थ्रेड्स लगने के बाद न्यूरालिंक का ये डिवाइस स्कल में इस तरह से रख दिया जाएगा। अगर आपने साल 1999 में आई आइकॉनिक फिल्म द मैट्रिक्स देखी होगी, तो आपको याद होगा कि उसमें एक अलग ही तरीके का डिवाइस दिखाया गया था। उस टाइम पर तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैट्रिक्स वाला वो इम्पॉसिबल डिवाइस एक दिन सच में एग्जिस्ट कर पाएगा, पर गेस व्हाट, इलॉन मस्क के न्यूरालिंक ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है। न्यूरालिंक बिल्कुल वैसा ही है जैसी ये आपकी स्मार्ट वॉच, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट बस इतना सा है कि ये स्मार्ट वॉच आपके हाथ में नहीं बल्कि डायरेक्टली आपके ब्रेन में फिट की जाती है। अगर आपको याद हो तो जनवरी 2024 में ही ये न्यूज काफी वायरल हुई थी कि दुनिया के पहले इंसान के ब्रेन में न्यूरालिंक इम्प्लांट किया गया है, लेकिन इम्प्लांट होने के बाद भी इस पेशेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जा रही थी, और इसी रीजन से सोशल मीडिया पर लोग ये बातें करने लग गए थे कि ये इम्प्लांट असल में हुआ भी है या नहीं, या फिर इलॉन मस्क फिर से कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। तभी अचानक आज से कुछ दिन पहले न्यूरालिंक ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर इस पहले पेशेंट का, यानी कि ये नोलन ऑर्बॉक का, चेस खेलते हुए का एक वीडियो डाला। ये वीडियो देखने के बाद हर कोई शॉक्ड था, क्योंकि नोलन की गर्दन से नीचे का पूरा शरीर काम ही नहीं कर सकता था, मतलब ये कि नोलन गर्दन से नीचे पैरालाइज्ड है। और भाई ये चेस गेम भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की ताकत से ही खेल रहा है, मतलब इमेजिन करो कि एक पैरालाइज्ड बंदा चेयर पर बैठे बैठे सिर्फ सोच कर ही एक चेस का गेम खेल पा रहा है। लेकिन रुको, ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले कुछ सालों में न्यूरालिंक लगवाने के बाद बात करने के लिए आपको मुंह से कुछ बोलने की या किसी डिवाइस का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस अपने थॉट्स के जरिए ही हम एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। इलॉन मस्क के हिसाब से तो न्यूरालिंक की बदौलत आप अपने दिमाग में किसी भी मेमोरी को स्टोर, अपलोड या फिर डाउनलोड तक भी कर पाओगे। यहाँ तक कि न्यूरालिंक की मदद से कोई भी इंसान अपनी मेमोरीज को एक कंप्यूटर या रोबोट में ट्रांसफर कर पाएगा, यानी कि एक तरह से डिजिटल इमोर्टेलिटी अचीव की जा सकती है, यानी डिजिटल वो इंसान अमर हो जाएगा। अब ये चीज तो पास्ट में हम सब काफी टाइम से नोटिस करते हुए आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जितना एडवांटेज होता है उससे ज्यादा उसका मिसयूज भी होता है। क्योंकि न्यूरालिंक भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो क्रिमिनल्स इसे भी कंप्यूटर या फोन की तरह हैक तो कर ही सकते हैं ना। सोचो अगर आपके दिमाग में फिट किए गए इस डिवाइस में कोई कंप्यूटर वायरस ही डाल दिया जाए तो। और हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने तो ये वार्निंग तक भी दी है कि ये क्रिमिनल्स हमारे दिमाग में घुसकर हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और यहाँ तक कि हमारी मेमोरीज तक को भी बदल सकते हैं। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि न्यूरालिंक क्या चीज है, आखिर ये काम कैसे करता है, और कैसे आने वाले कुछ टाइम में ये टेक्नोलॉजी हम इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होके ही रहेगी। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। न्यूरालिंक एक BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें एक चिप के जरिए कोई बंदा डायरेक्टली अपने दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक रियल टाइम कनेक्शन बना सकता है, मतलब रियल टाइम कनेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि यह टेक्नोलॉजी हमें कंप्यूटर से एग्जैक्टली वैसे ही बात करने की ताकत देती है जैसे एक इंसान से बात करते हैं। थोड़ा और बेसिक लेवल पर समझें तो BCI एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो हमारे दिमाग में बनने वाले सिग्नल्स को पकड़ता है, उनको समझता है और फिर उनको कंप्यूटर की भाषा में यानी कि बाइनरी कोड्स में ट्रांसलेट करता है। आसान भाषा में बोलूं तो बाइनरी कोड्स यानी कि 0 और 1। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि कंप्यूटर्स इन्हीं 0 और 1 की भाषा में बात करते हैं। फाइनली कंप्यूटर इन बाइनरी कोड्स को समझकर स्क्रीन पर दिखा देता है। जैसे इमेजिन करो आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। एक ट्रेडिशनल तरीका जो आज तक हम यूज करते आए हैं वो तो ये हो गया कि हम इस कंट्रोलर की मदद से इस गेम को खेलें, लेकिन दूसरा एडवांस तरीका हमारे पास ये है कि हम अपने हाथों का यूज करें ही ना, सिर्फ सोचें और उसके दम पर ही वीडियो गेम्स के सारे कंट्रोल्स अपने आप चलने लग जाएं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो गेम का ये कैरेक्टर भागने लगे या जंप करने लगे, और वो भी सिर्फ आपके सोचने से। और अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो न्यूरालिंक का यूज करके ये बंदर भी अपने हाथों का यूज किए बिना ही डायरेक्टली अपने दिमाग से ही इस कंप्यूटर गेम को खेल रहा है। BCI से रिलेटेड भी आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि BCI भी दो प्रकार का होता है,
नॉन इन्वेसिव बीसीआई और इन्वेसिव बीसीआई। नॉन इन्वेसिव बीसीआई में इस तरह की केबल्स से ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका यूज बेसिकली मेडिकल फील्ड में ही होता है, जैसे किसी बीमारी को पकड़ने के लिए किसी ब्रेन को स्कैन करना। इसके अलावा इन्वेसिव बीसीआई में एक चिप को ब्रेन के अंदर ही इंसर्ट कर दिया जाता है, और न्यूरालिंक भी कुछ और नहीं बल्कि एक इन्वेसिव बीसीआई का ही एग्जांपल है। इन्वेसिव बीसीआई का यूज मेडिकल फील्ड के साथ साथ ह्यूमन पावर को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले चेस वाले एग्जांपल में देखा था, यानी कि एक पैरालाइज्ड बंदे को नई जिंदगी देना। लेकिन इलॉन मस्क का असल सपना तो कुछ और ही है। उसके हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी इंसानी शक्तियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क इस ट्रांस ह्यूमन वाले कॉन्सेप्ट में बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इस समय न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा साईफाई और एडवांस नहीं है, पर टाइम के साथ जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन और अपग्रेड्स इस चिप में होते जाएंगे, वैसे वैसे इसके अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हम सबके सामने आते जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है, और इसलिए आज के टाइम पे मिलियंस ऑफ पीपल एआई का मोस्ट एडवांस टूल चैट जीपीटी यूज करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ 5% से भी कम लोगों को ही चैट जीपीटी सही से यूज करना आता है। बाकी लोगों की तरह अगर आप भी एआई एंड चैट जीपीटी सीखने के लिए सही प्लेटफॉर्म ढूंढने में कंफ्यूज हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 आवर्स चैट जीपीटी एंड एआई वर्कशॉप ज्वाइन करो। वैसे तो ये पेड है, लेकिन पीओएस फैमिली के पहले 1000 यूजर्स जो नीचे दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन करेंगे वो फ्री में सीख पाएंगे। इस वर्कशॉप में आप चैट जीपीटी जैसे 20 से ज्यादा टूल्स, टेक्निक्स और हैक सीखोगे, जिससे आप अपने करियर में 10x ग्रोथ अचीव कर सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो, अप टू 100% सैलरी हाइक पा सकते हो, एआई को एक्सेल में इंटीग्रेट करके डेटा एनालिसिस कर सकते हो और मिनटों में पीपीटीज बना सकते हो। तो चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, टेक या नॉन टेक, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन एंड इवन फाउंडर हो या फ्रीलांसर हो, उस केस में भी ये ग्रोथ स्कूल की वर्कशॉप आपको काफी हेल्प करेगी। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने और मेरी टीम ने भी ये वर्कशॉप अटेंड की, और हमने कुछ ऐसे हैक सीखे जिससे हमारा रिसर्च और ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस काफी इजी हो गया। इस वर्कशॉप को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है और अपने करियर और बिजनेस को तेजी से ग्रो किया है। तो आप भी एआई और चैट जीपीटी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज को सीख के खुद को टॉप 1% की लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जल्दी से इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करो, सिर्फ पहले 1000 मेंबर्स के लिए ही फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। खैर, न्यूरालिंक कैसे इंसानों की जिंदगी चेंज करेगा, उस बात से पहले यह समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि न्यूरालिंक एग्जैक्टली है क्या। एकदम बेसिक से समझो, न्यूरालिंक की न्यूज सबने ऊपर से सुनी थी, लोग उसको हल्के में भी ले रहे थे ये सोचकर कि अरे ये तो बस एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर अचानक इसी साल 30 जनवरी को ये न्यूज लोगों के सामने आई, इलॉन मस्क न्यूरालिंक इम्प्लांट्स ब्रेन चिप इन फर्स्ट ह्यूमन। इस न्यूज को देखने के बाद ये पहली बार ही था जब लोगों ने न्यूरालिंक के कॉन्सेप्ट को सच में सीरियसली लेना शुरू किया था। जिस न्यूरालिंक इम्प्लांट की बात यहाँ हो रही है, उस इम्प्लांट को बनाने वाली कंपनी है न्यूरालिंक, और इस कंपनी के फाउंडर हैं इलॉन मस्क, जो एआई इंडस्ट्री के सबसे बड़े टेक विजनरी कंसिडर किए जाते हैं। साल 2020 में हुए एक इवेंट में न्यूरालिंक के रिसर्चर्स ने बताया था कि न्यूरालिंक एक बहुत ही पावरफुल फ्यूचरिस्टिक हाईटेक प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। इनफैक्ट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंसानियत को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। इवन इस इवेंट के हिसाब से कोई स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करने के लिए इस न्यूरालिंक को ब्रेन के अलग अलग एरियाज में लगाया जा सकता है। स्पेसिफिक रिजल्ट के हिसाब से न्यूरालिंक ने बेसिकली अभी 2 प्रोडक्ट्स की बात की है। पहला तो है टेलीपैथी और दूसरा है ब्लाइंड साइट। एक एक करके इन दोनों की ही बात करेंगे क्योंकि ये दोनों ही लाइफ चेंजिंग डिवाइसेज हैं, लेकिन शुरुआत सबसे पहले टेलीपैथी से करते हैं। बट अगेन, आगे बढ़ने से पहले ये बात आपको एकदम क्लियर पता होनी चाहिए कि जो चिप आपके दिमाग में फिट की जाएगी उसका नाम न्यूरालिंक नहीं है। न्यूरालिंक तो कंपनी का नाम है, जो चिप दिमाग में फिट की जाएगी उसका नाम टेलीपैथी है। अब जो न्यूरालिंक इस पहले पेशेंट यानी कि नोलन के सिर में फिट किया गया है वो है टेलीपैथी। टेलीपैथी को आज तक सिर्फ आपने साईफाई मूवीज में ही देखा होगा। इनफैक्ट ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसमें बिना बोले ही सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रेन का यूज करके ही किसी से भी बात की जा सकती है। अगर आपने एक्समैन मूवी देखी होगी तो ये प्रोफेसर एक्स आपको डेफिनेटली याद होगा। माय नेम इज चार्ल्स एक्सवियर, आई एम अ म्यूटेंट लाइक यू। आई कैन हियर योर थॉट्स। यस, एंड आई कैन हियर योर्स। इस वीडियो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि कैसे प्रोफेसर एक्स ने बिना बोले बस अपने दिमाग के जरिए ही सबसे बात कर ली है। न्यूरालिंक कंपनी अपने टेलीपैथी डिवाइस के थ्रू कुछ ऐसा ही अचीव करना चाहती है। इवन नोलन ने भी अपने आप को इस प्रोफेसर एक्स से ही कंपेयर किया है। खैर, टेलीपैथी के इस फर्स्ट वर्जन का नाम है N1 इम्प्लांट। शॉकिंगली ये N1 इम्प्लांट इतना छोटा है कि इसका साइज लगभग 5 रुपए के सिक्के के बराबर ही है। अब अगर इस N1 इम्प्लांट की बात करें तो ये N1 इम्प्लांट टोटल 4 सेक्शन से मिलकर बनता है। पहला सेक्शन है बायो कंपेटिबल एनक्लोजर का, दूसरा
सेक्शन है बैटरी का, तीसरे सेक्शन में है ये चिप और लास्ट सेक्शन में है ये पॉलीमर थ्रेड्स। एक एक करके इन सभी सेक्शंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला सेक्शन यानी कि ये बायो कंपेटिबल एनक्लोजर एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवर है जो पॉलीमाइड नाम से एक मटेरियल से बना है। इस मटेरियल की सबसे खास बात ये है कि ये ह्यूमन बॉडी में जाकर कोई सूजन या डैमेज क्रिएट नहीं करता है। अगले सेक्शन में है ये बैटरी और इस बैटरी की यूनिक बात ये है कि ये बैटरी वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब इस टेक्नोलॉजी को एक एग्जांपल की मदद से समझो। इस आईफोन को चार्ज करने के लिए जैसे ही मैंने इसे चार्जिंग पैड पर रखा वैसे ही इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बनना शुरू हो गया। चार्जिंग पैड के ऊपर रखे हुए इस आईफोन में ये करंट इस तरह से पास होगा और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। कुछ इसी तरह के प्रोसेस से न्यूरालिंक की बैटरी भी चार्ज होगी। अब ध्यान से इस बंदर को देखो, ये जैसे ही इस चार्जिंग पैड के नीचे जाके बैठा वैसे ही इसका डिवाइस भी चार्ज होना शुरू हो गया। इस बैटरी का एक डाउनफॉल जो नोलन ने बताया है वो ये कि N1 इम्प्लांट की बैटरी लाइफ सिर्फ 8 घंटे की है और इसे बार बार चार्ज करना पड़ता है। तीसरे सेक्शन में आती है ये N1 चिप, लेकिन इसके बारे में आगे बात करेंगे। चौथा और आखिरी सेक्शन है इन पॉलीमर थ्रेड्स का। एक इम्प्लांट में टोटल 64 थ्रेड्स हैं। इन थ्रेड्स की सबसे यूनिक बात ये है कि ये एक थ्रेड इंसान के खून में मौजूद इस रेड ब्लड सेल से 1.4 टाइम्स पतला है और इंसान के एक बाल से 20 गुना ज्यादा पतला और फ्लेक्सिबल है। लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी एकदम स्टार्टिंग फेज में है, इसलिए अभी टेलीपैथी के इस फर्स्ट वर्जन के जरिए एक बंदा किसी कंप्यूटर या फोन को अपनी थिंकिंग पावर से ही कंट्रोल कर सकता है। अभी भी एक बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि N1 इम्प्लांट लगाने से हम कोई डिवाइस कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, ये आखिर पॉसिबल कैसे हो पाएगा। डिवाइस कंट्रोल करने से पहले एक बार ये समझो कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है। ये हमारा दिमाग है यानी कि ह्यूमन ब्रेन है। इस दिमाग में 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। इन न्यूरॉन्स का काम है पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंचाना। न्यूरॉन्स आपस में कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं। अब ये न्यूरॉन किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सीक्रेट कोड यानी कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं और इस तरह से एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना शुरू कर देते हैं। इस कम्युनिकेशन के दौरान ही न्यूरॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसे एक्शन पोटेंशियल या न्यूरॉन स्पाइक बोला जाता है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने भी अपने एक रिसेंट पोस्ट में इस न्यूरॉन स्पाइक की बात की थी। खैर, जब ये न्यूरॉन्स फायर करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोड्स के जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है। आसान भाषा में समझाऊं तो इलेक्ट्रोड्स वो मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। और हाँ, वो N1 इम्प्लांट जिसके बारे में हमने बात की थी उसके हर एक थ्रेड पर इस तरह के 16 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, मतलब कि कुल मिलाकर 1024 इलेक्ट्रोड्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जो भी फील करोगे उसको ये 1024 इलेक्ट्रोड्स बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड कर लेंगे। ये तो बात हुई ब्रेन की फंक्शनिंग की, लेकिन न्यूरालिंक इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का करता क्या है अब वो देखो। अब न्यूरालिंक के ये जो थ्रेड्स हैं ये इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैच करके N1 चिप तक पहुंचा देते हैं और फिर ये N1 चिप ही है जो इन सिग्नल्स को समझने का काम करती है। थोड़ा आसान भाषा में बताऊं तो ये N1 चिप इस इम्प्लांट का हार्ट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही चिप है जो ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। इसके लिए सबसे पहले ये चिप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 में बदलती है और फिर ब्लूटूथ के जरिए ब्रेन से सीधा कंप्यूटर तक ये इन्फॉर्मेशन भेज देती है। इसको एक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो कि आपने ये N1 इम्प्लांट अपने स्कल में फिट करवा लिया है और अब आपको कंप्यूटर का कर्सर मूव करना है। ओवरऑल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जब आप कर्सर को ऊपर की तरफ लेकर जाते हो तो ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स के कुछ न्यूरॉन्स इस तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप ये कर्सर नीचे की तरफ लेकर जाते हो तो मोटर कॉर्टेक्स के कुछ और न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। पूरा सीन कुछ ऐसा है कि न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर जब इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजना शुरू करते हैं तो ये थ्रेड्स उन सिग्नल्स को कैच करके N1 चिप तक पहुंचा देते हैं। फाइनली ये चिप ब्लूटूथ की मदद से कंप्यूटर को कर्सर मूव करने का ऑर्डर देने लग जाती है। खैर, आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा लेकिन हमारा दिमाग भी हर हार्ट बीट के साथ कुछ इस तरह से पल्सेट करता रहता है यानी कि हल्का हल्का मूवमेंट करता रहता है। इसी के साथ ये थ्रेड्स भी इतने ज्यादा पतले होते हैं कि एक इंसान के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि विदाउट मिस्टेक इन थ्रेड्स को सही से लगा पाए। यही कारण है कि इन थ्रेड्स को बिल्कुल सही जगह पर लगाने के लिए एक रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी तक ये बात तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये न्यूरालिंक आखिर काम कैसे करता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस न्यूरालिंक का गलत इस्तेमाल सिर्फ क्रिमिनल्स और हैकर्स ही नहीं बल्कि कंपनी खुद भी तो कर सकती है। समझो कैसे। हाल ही में न्यूरालिंक में एक इवेंट में इलॉन मस्क ने N1 इम्प्लांट को आईफोन के पहले वर्जन के साथ कंपेयर किया था और इलॉन ने ये भी बोला था कि न्यूरालिंक के अपग्रेडेड वर्जन भी डेवलप किए जाएंगे। ये बात शायद आपको पता नहीं होगी पर जब भी आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है तो एप्पल कंपनी अपने पुराने फोन्स को स्लो कर देती है। ये चीज हजारों केसेस में ऑब्जर्व की गई है। तो इस बात के भी तो चांसेस बन सकते हैं कि न्यूरालिंक के नए मॉडल्स आते ही वो अपने पुराने मॉडल्स के इम्प्लांट को स्लो करने लग जाए। इसके अलावा एक और बात सोचो कि क्या हो अगर इलॉन मस्क एक नया वर्जन न्यूरालिंक एक्स लॉन्च कर दे
जिसमें हमें अपनी ही मेमोरीज को एक्सेस करने के लिए नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा की तरह सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ जाए। एक बात और सोच के देखो कि आप किसी थॉट में डूबे हुए हो और अचानक से ही आपके दिमाग में यूट्यूब एड्स की तरह एक अनस्किपेबल एड आ जाए। ओवरऑल अपने ब्रेन के कंट्रोल्स किसी दूसरी कंपनी के हाथ में देने के बारे में आपके जेन्युइन थॉट्स क्या हैं कमेंट्स में जरूर बताना। आई एम सुपर एक्साइटेड टू रीड। इन सारे कॉन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट्स के अलावा जो एक बहुत बड़ा सवाल आके खड़ा हुआ है वो है एनिमल टेस्टिंग का। न्यूरालिंक ने अपनी ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होने से पहले इसकी टेस्टिंग बहुत से जानवरों पर की थी। न्यूरालिंक के एक्स एम्प्लॉइज ने एनिमल टेस्टिंग में होने वाली क्रुएल्टी को एक्सपोज करते हुए ये तक बताया था कि कैसे इलॉन मस्क इन जानवरों पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स को जल्दी पूरा करने के लिए प्रेशराइज करता था। इनफैक्ट जब टेस्ट फेल होते थे तो और भी ज्यादा जानवरों को इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता था। स्क्रीन पर दिखाई गई न्यूज के अकॉर्डिंग तो दुख की बात यह है कि मार्केट में अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में न्यूरालिंक ने अब तक करीबन 1500 जानवरों को मौत के घाट उतार दिया है। ज्यादातर मामलों में इन्फेक्शन होने से, दिमाग में सूजन आने से और इम्प्लांट की गलत प्लेसमेंट होने की वजह से इन जानवरों की मौत हुई है। इतनी मौतें ये सब साबित करती हैं कि अभी भी न्यूरालिंक एक शुरुआती दौर में ही है। इनफैक्ट यही सारी प्रॉब्लम्स जानवरों की तरह इंसानों में भी तो हो सकती हैं और इनका नतीजा जानवरों के केस में आप ऑलरेडी देख चुके हो, यानी कि सीधा मौत। इस वीडियो को पब्लिश करने से पहले मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था, अगर आपको अपने दिमाग में न्यूरालिंक चिप लगवाने का मौका मिले बिना किसी खर्चे के तो क्या आप इस चिप को अपने ब्रेन में लगवाओगे। इस सवाल के जवाब में बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि वो किसी का गुलाम बन के नहीं रहना चाहते। तो आपको बता दूं कि कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि न्यूरालिंक अपने इम्प्लांट्स के जरिए लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। कंट्रोल कैसे? भूल भुलैया मूवी याद है ना, कि कैसे मूवी में मंजुलिका विद्या बालन के कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी और उससे अलग अलग काम करवा रही थी, कुछ वैसे ही। इसी के साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम तो नेचुरल ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन सोचो अगर सोसाइटी में कुछ गिने चुने लोग इस चिप को इम्प्लांट करवा लेते हैं तो ये चिप वाले लोग बाकी लोगों से ज्यादा कैपेबल बन जाएंगे, साथ ही इनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो इनसे कॉम्पीट करने के लिए शायद आपको और मेरे को भी ये ब्रेन इम्प्लांट करवाना ही पड़ेगा। यानी कि इस एंटायर सिनेरियो में सबसे बेकार बात ये हो सकती है कि अपने ब्रेन में चिप लगवाना आपके लिए ऑप्शन नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाए। खैर ये बात भी आपको आसानी से हजम नहीं होगी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि न्यूरालिंक ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। उसका रीजन ये है कि इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की रेस में सिर्फ न्यूरालिंक ही अकेला प्लेयर नहीं है, असल में सिंक्रोन और ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज भी टेलीपैथी जैसे अमेजिंग डिवाइसेस पहले से ही डेवलप कर चुकी हैं। एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये है कि सिंक्रोन और ब्लैक रॉक का मकसद सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों की मदद करना है, लेकिन न्यूरालिंक क्लेम करता है कि उसका असली विजन कुछ और ही है, यानी कि इंसान के बेनिफिट के लिए इंसान को AI से जोड़ना, यानी कि इंसान को ट्रांस ह्यूमन बनाना। न्यूरालिंक की वेबसाइट पर भी यही विजन लिखा हुआ है कि आने वाले फ्यूचर में ह्यूमन पोटेंशियल को इस तरह से और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मुद्दा यह है कि इस एम्बिशियस गोल को अचीव करने के लिए न्यूरालिंक ने नया क्या किया है। असल में न्यूरालिंक ने अपनी राइवल कंपनीज के डिवाइसेस की कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया है। शॉर्ट में इस बात को ऐसे समझो, सिंक्रोन कंपनी का ये डिवाइस है स्टेंट रॉड। इस स्टेंट रॉड के दो मेन पार्ट्स हैं, पहला ये स्टेंट और दूसरा ये चेस्ट इम्प्लांट। अब देखो, ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स में एक नर्व है, सुपीरियर सेजिटल साइनस नर्व। इस स्टेंट को डायरेक्टली ब्रेन की इस नर्व में डाल दिया जाता है। अब ये स्टेंट मोटर कॉर्टेक्स से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रीड करता है और इन सिग्नल्स को इस चेस्ट इम्प्लांट को भेज देता है। ये चेस्ट डिवाइस ब्रेन सिग्नल्स को बाइनरी कोड्स में ट्रांसलेट करके ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देता है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि ये स्टेंट रॉड डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स से इंटरेक्ट नहीं करता है और इसलिए ही इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं न्यूरालिंक ने इस पॉइंट को ओवरकम करने के लिए ही N1 इम्प्लांट को डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स में इम्प्लांट किया है, नतीजा गलती होने के चांसेस एकदम कम होना। इसके अलावा ब्लैक रॉक कंपनी का डिवाइस है ये यूटा एरे। ये यूटा एरे डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स में ही इम्प्लांट होता है और इसका सबसे बड़ा इशू है इसकी डिजाइन। इसमें ये 100 कील जैसे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो कि एकदम रिजिड हैं, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। साथ ही कंप्यूटर से कनेक्शन बनाने के लिए पेशेंट को अपने सिर में इस तरह का एक पोर्ट भी फिट करके रखना पड़ता है। इन शॉर्ट इसका यूज मेडिकल पर्पस तक ही सीमित रह जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही न्यूरालिंक ने अपने N1 इम्प्लांट का डिजाइन इतना एडवांस बनाया है कि उसके थ्रेड्स फ्लेक्सिबल हैं और वो डायरेक्टली स्कल में ही फिट भी हो सकता है। इससे ब्रेन डैमेज होने का रिस्क भी कम हो जाता है। जैसे टेलीपैथी न्यूरालिंक कंपनी का एक प्रोडक्ट है, वैसे ही न्यूरालिंक कंपनी का ही दूसरा इनोवेटिव प्रोडक्ट है ये ब्लाइंडसाइट। ब्लाइंडसाइट को आप ऐसा समझो कि ये उन लोगों के लिए तो एक वरदान है जो देख नहीं सकते। इस ब्लाइंडसाइट के जरिए आंखों को बाईपास करते हुए इमेज को डायरेक्टली ब्रेन तक ही पहुंचा दिया जाएगा। जिस तरह से टेलीपैथी में ब्रेन के इस मोटर कॉर्टेक्स रीजन को टारगेट किया गया था, वैसे ही ब्लाइंडसाइट में ब्रेन के पीछे मौजूद इस विजुअल कॉर्टेक्स रीजन को भी टारगेट किया जाएगा। इसके लिए टेलीपैथी इम्प्लांट की तरह ही सेम प्रोसीजर से एक इम्प्लांट विजुअल कॉर्टेक्स में किया जाएगा। इस बंदे को इस तरह का एक चश्मा लगाया जाएगा जिसमें कैमरा लगा हुआ होगा
होगा। ये कैमरा ही आंखों का काम करेगा। अब ये कैमरा सामने आने वाली चीज को रिकॉर्ड करके डायरेक्टली ब्लूटूथ से इस इम्प्लांट को सिग्नल भेजेगा और ये इम्प्लांट ब्रेन में इस इमेज को जनरेट कर देगा। और अगर आप ध्यान से समझोगे तो इंसानों के देखने का प्रोसेस भी तो कुछ ऐसा ही है। खैर, न्यूरालिंक इंसानों की जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इस न्यूरालिंक की मदद से एग्जैक्टली क्या क्या किया जा सकता है ये बात सिर्फ कंपनी में काम कर रहे रिसर्चर्स ही जानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात की जाए तो न्यूरालिंक से सबसे ज्यादा हेल्प जिन्हें मिलेगी वो है फिजिकली डिसेबल्ड लोग। ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब तक आप ये समझ चुके हो कि ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करता है और ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करते हुए बॉडी में जाते हैं। पर कुछ केसेस में किसी चोट या बीमारी की वजह से इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वजह से ये सिग्नल्स बॉडी तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में न्यूरालिंक एक ब्रिज का काम करती है और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को फिर से बॉडी में पहुंचाती है। इसके लिए एक न्यूरालिंक इम्प्लांट इस मोटर कॉर्टेक्स में और दूसरा इम्प्लांट स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाता है। अब जो सिग्नल्स ना मिलने की वजह से ये बंदा चल नहीं पा रहा था, न्यूरालिंक इम्प्लांट की वजह से वो सिग्नल्स उसे ब्लूटूथ की मदद से फिर से मिलने लग जाएंगे। जैसे न्यूरालिंक की मदद से ये पिग ट्रेडमिल पर चल पा रहा है, उसी तरह से इम्प्लांट से एक पैरालाइज्ड बंदा भी फिर से चल पाएगा। AI के फील्ड में जिस स्पीड से एडवांसमेंट हो रहे हैं, आने वाला फ्यूचर AI का ही है। और इलोन मस्क के मुताबिक AI को हराने के लिए हमें AI जैसा ही बनना जरूरी है। इसलिए ही इलोन मस्क ने 2020 में न्यूरालिंक का मिशन स्टेटमेंट अनाउंस किया था। इस स्टेटमेंट में ये लिखा था कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, यानी कि अगर आप AI को बीट नहीं कर सकते हो तो उन्हें ज्वाइन कर लो। फॉर श्योर आने वाले कुछ सालों में न्यूरालिंक इतना तो डेवलप हो ही जाएगा कि आपको आपके सामने वाले बंदे से बात करने के लिए सिर्फ ऐसे शांत बैठ के ब्रेन का ही यूज करना पड़ेगा। पूरा इंटरनेट ऑलरेडी ब्रेन में ही होगा और आप बैठे बैठे ही डायरेक्टली सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। खैर, ये टेक्नोलॉजी अभी भी ट्रायल फेज में है और इस ट्रायल का टाइम पीरियड भी 6 साल का है। अगर न्यूरालिंक को कुछ शब्दों में बताऊं तो ये एक डिजिटली अपग्रेडेड ब्रेन है। खैर, इंडिया में डीप फेक फ्रॉड्स के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि डीप फेक फ्रॉड से कैसे बचना है। क्लिक करो और जरूर देखो।